ये देखिए जी, हमारी लेफ्ट ओवर मैरिनेशन के साथ मज़ेदार से एयर फ्रायर पोटैटो रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने बटर लगा लिया है और एक छोटा सा क्यूब मैंने इसके ऊपर भी रख लिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर मैरिनेशन नहीं है तो आप खुद की मैरिनेशन से भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार से बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैमीज किचन। आज मैंने बनाए हैं लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन से एयर फ्रायर पोटैटो। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत इनके लुक आई है और ये बहुत ही यमी बने हैं। जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसकी जो मैरिनेशन बची थी, तो मैंने सोचा कि हम इसमें पोटैटो बना लेते हैं और बहुत ही मज़े के ये पोटैटो बने और ये मैंने एयर फ्रायर के अंदर बनाए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बने हैं। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन पड़ी हुई है, ये जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, तो ये थोड़ी बहुत ही बच गई है। तो इसके साथ मैंने एक ले लिया है बड़े साइज़ का पोटैटो, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो इनको मैं डाल दूँगी, इन पोटैटोज़ को इस मैरिनेशन में, और इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए वो जो मैरिनेशन थी वो मैंने अच्छे से इन पोटैटोज़ पे कोट कर ली है। वैसे तो इस मैरिनेशन के अंदर मैंने एक काफ़ी ज़्यादा ऑलिव ऑयल डाला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रे कर दूंगी ताकि ये ज़रा अच्छे से बने। तो इस बास्केट को हम रख देते हैं अपने एयर फ्रायर में और एयर फ्रायर को मैं ऑन करूंगी 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। पहले इसको टोटल हमने 20 मिनट के लिए बेक एयर फ्राई करना है, लेकिन पहले मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया है, फिर हम इनको चेक करेंगे और 10 मिनट का टाइमर फिर से लगाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इनको देख लेती हूँ। ये तकरीबन हाफ हो चुके हैं, इनको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये बाकी जो दूसरी साइड से ना वो भी अच्छे से पक जाए। अब मैं इसको अगेन से थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट टेंडर से बने, वरना बहुत ड्राई हो जाते हैं। आपको पता है एयर फ्रायर में थोड़ा सा तो ऑयल इसमें स्प्रे करना ही पड़ता है। तो मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो 10 मोर मिनट हो चुके हैं हमारे मिक्स करने के बाद भी। ये देखिए अब ये परफेक्टली रेडी हो गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से ये रेडी हो गए हैं। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार से हमारे एयर फ्रायर पोटैटो रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।